Hello everyone, this is CS Prapti Azare and today's video is going to be regarding CS internship. There are many doubts regarding CS internship as to from where we can find it, what should be the format of a resume and various other nitty gritties which you need to remember. So without any further ado, let's get started. First important thing that you guys need to remember is position. CS intern जो होता है मतलब कंपनी सेक्रेटरी की जो इंटर्नशिप है 21 मंथ्स की उसमें आपकी पोजीशन क्या होगी. सो CS intern इज मेजरली कॉल्ड एज CS मैनेजमेंट ट्रेनी. उसको CS मैनेजमेंट ट्रेनी नाम से जाना जाता है. CS intern भी बोला जाता है. कई जगह पे और भी कोई नाम हो सकता है बट द मोस्ट कॉमन आर दीज टू. मैनेजमेंट ट्रेनी तो बोला ही जाता है, CS मैनेजमेंट ट्रेनी. व्हाई एम आई टेलिंग यू द पोजीशन फर्स्ट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पोजीशन पता हो, तभी आपको पता चलेगा कि वैकेंसी क्या है, क्या ये करेक्ट वैकेंसी है. डिस्क्लेमर, पहले से ही जब कभी भी आप कहीं पे भी सीएस की इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, प्लीज बी श्योर एंड टू एंश्योर दैट इट इज रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड नॉट कंप्यूटर साइंस, बिकॉज बहुत बार लगता है कि कंप्यूटर साइंस की भी होती है. तो इसलिए एंश्योर करो कि कंपनी सेक्रेटरी की ही इंटर्नशिप के बारे में हम सर्च करें. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोर्सेज. What are the various sources from where you can find your CS internship? CS internship के regarding बहुत सारे doubts होते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा है कि source कौन सा होगा. तो first sources are very very dear institute has created a portal called as ICSI placement portal. It's a beautiful portal जिसपे सारी vacancies आ जाती है. मैं ये नहीं कहूंगी कि जो सारी vacancies अभी market में है वो सभी उस पर होगी, लेकिन majority तो होती है और वो अपलोड होता रहता है, हर डे अपडेट भी होता रहता है. सो इट्स अ वेरी गुड पोर्टल वेर यू कैन इजीली फाइंड योर CS इंटर्नशिप. आई एम नॉट सेइंग दैट रिलाई कंप्लीटली ऑन द पोर्टल, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फ्रॉम जहां से भी इंटर्नशिप लगती है. सो ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल. सो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ICSI प्लेसमेंट पोर्टल पे जाना है. वहां पे ट्रेनिंग रिसर्च में ट्रेनिंग सर्च में आपको पता चलेगा लिखा होता है फॉर स्टूडेंट्स, वहां पे जाना है. You first page which opens is regarding the registration. How will you register on the portal? तो बहुत सिंपल सा है कि उसमें यू नो डिटेल्स है. देयर इज ऑल्सो फीचर कॉल्ड एज रेज्यूमे मेकर. लाइक इफ यू आर अनेबल टू मेक योर रेज्यूमे ऑन योर ओन, यू कैन इवन यू नो यूज दैट फीचर. एंड अब उसके बाद ऊपर यू नो कॉलम्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि विच आर द लेटेस्ट ट्रेनिंग्स अवेलेबल. इन ट्रेनिंग्स यू कैन इवन सॉर्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रेशनेस, ड्यूरेशन, स्ट्राइपिंग. इस बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हो, ये फिल्टर्स लगा सकते हो. एट द सेम टाइम ऊपर दो कॉलम्स होते हैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स होते हैं जो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कहीं पे तो यू नो आपको ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप करनी है तो वो भी अपॉर्चुनिटीज है, कंपनीज है, फर्म्स है, उसका दूसरा कॉलम है. सो ये एक मैंने मोटा मोटी यू नो आपको बता दिया कि ऐसा पोर्टल है. उसके रिगार्डिंग पोर्टल के रिगार्डिंग सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे दी गई थी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज पोर्टल पे जब आप जाओगे तब आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है. यू कैन इजीली रजिस्टर ऑन द पोर्टल. वहां पे एक ऑप्शन होता है टू एड योर रेज्यूमे विच यू हैव फॉर्म्यूलेटेड, जो आपको बनाना है. कभी कभी क्या होता है कि हम रजिस्टर नहीं करते हैं, वी डायरेक्टली गो ऑन द मतलब रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है. उसको ना ही करने के अलावा भी आप जाके सारी वैकेंसीज को देख सकते हो और वहां पे नीचे ना वैकेंसी, हर वैकेंसी के नीचे अप्लाई बटन आता है. प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन द अप्लाई बटन अंटिल एंड अनलेस यू हैव अपलोडेड योर CS रेज्यूमे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है हम रजिस्टर नहीं करते हैं एंड देन वी क्लिक ऑन द अप्लाई बटन. तो होता क्या है, आपकी जो कोई भी कंपनी है, फर्म है, जहां ही कहीं पे भी आपने अप्लाई किया है, उनको एक ब्लैंक पेपर चला जाता है, एक ब्लैंक पेज चला जाता है एज योर रेज्यूमे विच वी डोंट वॉन्ट. तो इसके लिए जब आप पोर्टल पे जाओ, आप जाके वैकेंसीज को चेक करो, इट्स नॉट एन इशू, बट प्लीज डोंट क्लिक ऑन द अप्लाई बटन जब तक आपका रेज्यूमे अपलोड नहीं हो गया है. अगर आपका रेज्यूमे अपलोड है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इसीलिए आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना बहुत बहुत जरूरी है. PDF फॉर्मेट में इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जैसे हम कहीं पे भी अपलोड करते हैं वहां अपलोड कर देना है. जब आप अपलोड करोगे तभी जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपको आता है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अप्लाई एट सो एंड सो प्लेस, यू क्लिक ऑन येस एंड देन यू गेट दिस ईमेल. एट द सेम टाइम अ नोटिफिकेशन सेइंग दैट सक्सेसफुली यू हैव अप्लाइड फॉर दिस ट्रेनिंग एट सो एंड सो प्लेस. तो वो जब सक्सेसफुली आता है इसका मतलब आपका जो PDF रेज्यूमे है वो उनके पास पहुंचा है. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट क्लिक ऑन द अप्लाई बटन अंटिल एंड अनलेस यू हैव अपलोडेड योर रेज्यूमे, नहीं तो खाली पेपर चला जाता है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है. दूसरी बात, पोर्टल के रिगार्डिंग मेनी टाइम्स
आई हैव हर्ड सम पीपल से कि बहुत टाइम लगता है या फिर यू नो ऐसे बहुत सारी बातें हैं. आई एम नॉट सेइंग कि एकदम फटाफट, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि थिंग्स हैपन देयर. लाइक फॉर मी, मैंने जब अप्लाई किया था एक दो जगह पे भास से, तो आपको दूसरे दिन ईमेल भी आ गया था मुझे कि यू नो वी हैव गॉट योर रिज्यूमे सो एंड सो, ऐसे भी करके आ जाता है. तो यू कैन ईजिली फाइंड फ्रॉम देयर एज वेल, ईजिली मिलता है, कोई इशू नहीं है अकॉर्डिंगली. और वहां पे सारी डिटेल्स भी ना बहुत अच्छी तरीके से लिखे होते हैं कि लोकेशन क्या है, स्ट्राइपिंग क्या है, रोल क्या है, आपको क्या क्या चीजें करनी है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, व्हाट इज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, कि एग्जीक्यूटिव चाहिए, प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप्स क्लियर चाहिए, क्या चाहिए, तो वो भी क्लियरली लिखा होता है एंड अकॉर्डिंगली डिटेल्स दिए होते हैं. सो यू कैन ईजिली यूज द आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल, विच शुड बी योर प्राइमरी सोर्स. बहुत भी और सारे सोर्सेस है जिसको आपको यूज करना है. सेकेंड इज ग्रुप्स ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. देर आर वेरियस ग्रुप्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप विच यू कैन ईजिली यू नो यूज टू गेट योर सीएस इंटर्नशिप. वहां पर भी वैकेंसीज अपलोड होती है, सो प्लीज यूज दोज टू गेट योर इंटर्नशिप एज वेल. थर्ड इज पीपल ऑन लिंक्डइन. देर आर वेरी स्वीट जेनरस पीपल ऑन लिंक्डइन जो वैकेंसीज को डालते रहते हैं अपने पेज पे, जहां पे भी आपको इजीली वहां से भी इंटर्नशिप लग सकती है. बहुत इजीली वहां पे यू नो दिया होता है कि या इस कंपनी में यू नो वैकेंसी है, यहाँ पर लोकेशन है. कभी कभी लोकेशन नहीं भी दिया होता है, ड्यूरेशन इतना है और ईमेल आईडी दिया होता है या फिर नंबर दिया होता है. अकॉर्डिंगली इफ देर इज ईमेल आईडी, यू हैव टू ईमेल ऑन द रिक्वायर्ड यू नो ईमेल आईडी, नहीं तो कॉल करना है. वहां से भी इंटर्नशिप लगते हैं. सो जहां पे अगर आप सिंपल से लिंक्डइन पे जाओगे और जस्ट टाइप करोगे सीएस मैनेजमेंट ट्रेनी और सीएस इंटर्नशिप, तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज आ जाएंगी वेरियस प्लेसेस की और उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो. सो लिंक्डइन इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म टू सर्च फॉर योर सीएस इंटर्नशिप. फोर्थ इज नौकरी. नौकरी पे तो आप डायरेक्टली अपना नौकरी जो ऐप है नौकरी, वहां पे आप डायरेक्टली जाके अपना यू नो रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो एंड देन यू विल अकॉर्डिंगली गेट कॉल्स. कभी कभी कुछ कॉल्स जो कि यू नो रेलिवेंट नहीं है आपके प्रोफाइल, सो कुछ इररेलिवेंट जॉब्स के रिगार्डिंग भी आपको कॉल्स आ सकते हैं कि यू नो टेलीकॉम टेलीफोन ऑपरेटर. ऐसे ऐसे भी होता है बाय मिस्टेकली, क्योंकि क्या होता है आपका रेज्यूमे वहां पे अपलोडेड है तो कोई भी उसको देखता है और आपको कॉल करता है. यू हैव टू बिहेव वेरी नॉर्मल एंड जस्ट से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल और फोन रख देना है. ऐसे भी होता है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड नौकरी पे आप डालोगे, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो ना, यू आर टैपिंग वेरियस यू नो सेक्टर्स. आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो कि कहीं से तो मुझे इंटर्नशिप लग जाए. हमें सब कुछ करना है, कहीं से तो लग ही जाएगी, कोई इतना बड़ी बात नहीं है. उसके बाद लास्ट इज कॉन्टैक्ट्स. आप अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कर सकते हो, कोई प्रोफेसर है, किसी यू नो आप अपने सीनियर को पहचानते हो, जिसके पहचान से हो सकता है तो आप अकॉर्डिंगली उसके कॉन्टैक्ट्स भी यूज कर सकते हो. कॉन्टैक्ट्स से भी इंटर्नशिप लगते हैं. सो यू नो देयर आर वेरियस सोर्सेज. अकॉर्डिंगली आपको कौन सा सोर्स यूज करना है इट डिपेंड्स, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप सभी सोर्सेज को यूज करो, उसमें से कहीं एक से तो लग ही जाएंगे. बिकॉज यू नो व्हेन यू कीप ऑल योर कार्ड्स ओपन समवेयर यू गेट द यू नो रिजल्ट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तो सोर्सेस हो गए, नेक्स्ट इज बी शेमलेस. व्हाट आई मीन टू से इज बी शेमलेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेलिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंट कंपनीज. बी शेमलेस इसका मतलब है, बहुत बार होता है कि हम अभी यू नो क्लियर किया है तो वी आर नॉट अक्वेंटेड विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो बहुत बार होता है कि अरे मैं कैसे ईमेल करूं, क्योंकि आपको ईमेल आईडी मिलता है, सीएस का ईमेल आईडी मिलता है उस कंपनी के, या फिर किसी पार्टनर का मिलता है अगर फॉर्म है तो आपको इजीली मिल जाता है. तो वो मिलने के बाद बी शेमलेस इन ईमेलिंग. यू हैव टू ईमेल इन ऑब्वियसली प्रॉपर डेकोरम आपको मेंटेन करते हुए ईमेल करना है, लेकिन कोई भी फियर नहीं रखना है. व्हाट आई मीन टू से बाय बीइंग शेमलेस, यू शुडंट बी फियरफुल लाइक अरे क्या हो जाएगा, मैं ईमेल किया तो क्या हो जाएगा. मैक्स टू मैक्स अगर आपने ईमेल कर दिया, अगर उनको नहीं पता, उनको नहीं पसंद आया आपका ईमेल, या फिर आपकी प्रोफाइल उनको नहीं पसंद आई, या फिर उनको आपको नहीं रखना है, मैक्स टू मैक्स वो पढ़ेंगे और रिप्लाई नहीं करेंगे, या फिर बोल देंगे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू नो वी डोंट हैव द पोजीशन, या फिर हमें आपको नहीं रखना है, या फिर हमने किसी और को रख लिया है, ऐसे कुछ तो बोलेंगे. इससे ज्यादा और बुरा क्या ही हो सकता है. देन व्हाई यू गेटिंग स्केयर्ड टू ईमेल. और अगर आपको पता नहीं है कि वहां पे कौन सी पोजीशंस, मतलब क्या वहां पे वैकेंसी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईमेल कर दो, अगर होगी तो वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे. व्हाट आई मीन टू से इज कि आप अपने हिसाब से अपनी कोशिशें जारी रखो. यू डोंट नो व्हाट विल वर्क आउट फॉर यू, सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन डूइंग द रिक्वायर्ड थिंग्स. तो एक हो गया ईमेल करने के बारे में. नेक्स्ट इज फॉर्मेट. सी यू आर ईमेलिंग समवन. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को ईमेल कर रहे हो और उसके बाद अगर वही कंपनी में या फिर उस फर्म में आपको इंटर्नशिप लग गई तो आप क्या करोगे. व्हाट आई मीन टू से इज कि जब आप ईमेल कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो योर फर्स्ट इंप्रेशन नीड्स टू बी परफेक्ट एंड फॉर दैट यू नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. तो देखो सिंपल सी बात है, हमें बस इतना बोला है कि हमें आपके कंपनी में इंटर्नशिप चाहिए,
लेकिन हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, यू हैव टू राइट इन नाइस फैंसी इंग्लिश लैंग्वेज. व्हाट आई मीन टू से इज अ गुड इंग्लिश लैंग्वेज शोइंग दैट यू आर अ प्रोफेशनल एंड दैट यू आर यू नो एलिजिबल और आई वुड से क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में है. तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट है आपको सब्जेक्ट में तो क्लियरली लिखना है सीएस इंटर्नशिप. जब आप सब्जेक्ट लिखते हो सीएस इंटर्नशिप का, उनको पता चलता है कि ये बच्चे को सीएस इंटर्नशिप के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत बार यू नो दे आर वेरी बिग पीपल, बहुत ईमेल्स आते हैं. तो जब सीएस इंटर्नशिप पढ़ते हैं अगर उनके पास वैकेंसी होगी तो दे विल फर्स्ट ओपन योर ईमेल. That's why your subject should clearly state in bold letters CS internship. Format, मैंने ये format choose you know follow किया था, which you can see in the picture given aside. ये format मैंने choose किया था, मैं ऐसे मैंने email लिखा था क्योंकि बहुत simple सी बात है जो हमें कहनी है उनको कि हमें internship चाहिए, but you have to write in this language, sir, madam. अगर आपको पता नहीं है, कभी कभी ऐसे होता है कि आपको email देके you know पता नहीं चलता है कि who is the required person. अगर आपको पता चला male है तो आप sir लिख दोगे, female है तो madam लिख दोगे, लेकिन नहीं पता है तो you can even write dear sir or madam accordingly. तो ये फॉर्मेट मैंने चूज किया, फॉलो किया था. यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस फॉर्मेट, इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्मेट, मैंने खुद ही बनाया था, बट इट्स अ वेरी गुड फॉर्मेट कि सिंपल ही लिखना है और अच्छे लैंग्वेज में भी लिखना है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब कहीं पे भी आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो प्लीज चेक द पीरियड, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप एंड द लोकेशन. बहुत बार ऐसे होता है कि ड्यूरेशन कभी कभी 15 मंथ्स का भी होता है, एंड इफ यू आर रिमेनिंग लाइक योर 21 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप इज रिमेनिंग देन 15 आपके वहां हो जाएंगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि बचे हुए 6 मंथ्स के लिए मुझे कहीं पे तो और इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है. इसीलिए इंटर्नशिप का ड्यूरेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम लोकेशन भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या होगा ना, जब आप इंटर्नशिप ढूंढने लगोगे यू मे इवन गेट कॉल्स फ्रॉम प्लेसेस सेइंग दैट यू नो वी हैव वैकेंसी एंड इज इट अ गुड टाइम टू स्पीक, ऐसे वो पूछते हैं. तो जब वो पूछते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास एक पेन पेपर हो और उसमें ना आपके फैक्टर्स स्टेटेड होने चाहिए कि मुझे क्या पूछना है उनसे. मुझे पूछना है कि लोकेशन क्या है, मुझे पूछना है ड्यूरेशन क्या है, कि चाहे से अगर यू नो 18 मंथ्स हुआ तो क्या करोगे, बचे हुए महीनों के लिए तो करना ही पड़ेगा ना कहीं पे, तो या क्या फिर पूरे 21 मंथ्स है. अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसने पहले से कहीं पे तो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप कर ली है, तो यू नीड टू टेल देम कि मेरे पास सिर्फ 15 मंथ्स है, आई कैन गिव यू दोस 15 मंथ्स एज माय सीएस इंटर्नशिप. ये आपको अकॉर्डिंगली स्टेट करना है. दे विल इवन आस्क यू रिगार्डिंग योर सैलरी, सो सिंपल सी उसके रिगार्डिंग भी आप अकॉर्डिंगली डील करना है. तो ये जो पॉइंट्स है वो आपके पेन पेपर पे नोटेड होने चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली उसको नोट डाउन कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता है. नेक्स्ट इज प्लीज हैव अ प्रॉपर ईमेल आईडी, नया ईमेल आईडी बनाओ. प्लीज डोंट यूज योर सिली नेम्स इन योर ईमेल आईडी. बहुत बार होता है ना हम ऐसे यू नो बचपन से ईमेल आईडी चलता आ रहा है, यू नो सब जगह पर वही यूज किया जाता है. सो हैव प्रोफेशनल ईमेल आईडी, बहुत सिंपल सा कि यू नो आपका नेम बीच में डॉट हो सकता है, सरनेम, एक आधा नंबर, बस इतना ही. यू हैव टू मेक इट वेरी प्रोफेशनल, वेरी फॉर्मल. तो बहुत ऐसे यू नो जो बच्चे वाले नाम है वो उसको उस ईमेल आईडी को यूज नहीं करना है. इट समवेयर गिव्स एन इंप्रेशन दैट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल एंड यू डोंट नो द यू नो एटिकेट टू बी फॉलोड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका ईमेल आईडी बहुत अच्छा हो. नेक्स्ट इज टेम्पलेट ऑफ रेज्यूमे. तो क्या है, रेज्यूमे बनाना पड़ता है एंड हमें ऐसा लगता है अरे हमारे पास अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर सीकिंग जॉब समवेयर, तो हम कहां से लाए रेज्यूमे, हम कैसे बनाए. तो बहुत बार ये जो क्वेश्चन होता है इसके लिए आर डियर इंस्टीट्यूट हैज इवन फॉर्मुलेटेड टेम्पलेट्स, जिसकी लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. इट्स अ टेम्पलेट फॉर रेज्यूमे ऑफ सीएस इंटर्नशिप. देर आर वेरियस फैक्टर्स विच इंस्टीट्यूट हैज ऑब्वियसली स्टेटेड. अगर उसमें से कोई चीजें हैं जो आपने नहीं की है सो यू हैव टू सिंपली डिलीट दैट. उसको आप एडिट कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, एमएस वर्ड में डाउनलोड कर सकते हो. आई फॉर्मुलेटेड माई रेज्यूमे यूजिंग दैट टेम्पलेट. इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पलेट, लुक्स वेरी प्रोफेशनल और आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट भी करेगा, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि ऐसी कोई तो एक यू नो टेम्पलेट अवेलेबल है, वो अपने दिमाग से बनाते हैं. एंड देखो इंस्टीट्यूट ने जो बनाया है इट्स अ वेरी प्रोफेशनल वर्जन, तो आप बहुत प्रोफेशनल लगते हो एंड पीपल आर इजिली इंप्रेस्ड विद योर रेज्यूमे. सो प्लीज यू नो आपके पास जो रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने दिए हैं प्लीज मेक श्योर टू यूज दोज रिसोर्सेज. सो गो एंड यूज द टेम्पलेट विच इज गिवन बिलो. आप चाहिए तो खुद का भी बना सकते हो उस टेम्पलेट को एज अ गाइड यूज करके, नहीं तो आप उस टेम्पलेट को ही एडिट करके उसमें अपने डिटेल्स को फिलअप कर सकते हो. सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग सीएस इंटर्नशिप. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप अभी भी बाकी है एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट यू नीड टू हैव व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर योर सीएस इंटर्नशिप एंड दैट इज पेशेंस. प्लीज बी पेशेंट माई डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट. यू नो होता है कि अब हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन लाइक इफ यू हैव क्लियर योर प्रोफेशनल फिर तो बहुत लगने लगता है कि अरे नाउ आई हैव क्लियर. जैसे इन माई केस आई हैव क्लियर माई प्रोफेशनल एंड लेटर आई वॉज सर्चिंग फॉर माई इंटर्नशिप.
तो तब लगता है कि अरे लक कैसे नहीं आए. सो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर. आपको बहुत जगह से ढूंढना है, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, होता है. लाइक आपको जल्दी भी लग सकता है, 1 मंथ में भी लगता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन इट्स यू नो डोंट बी यू नो ऐसा लगने कि अरे क्या है, क्यों नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई पंक्चर लग गया है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल फेज. टाइम लगता है ऐसी चीजों को होने के लिए. इंटरव्यूज होते हैं, यू मे हैव टू गिव वेरियस इंटरव्यूज एट वेरियस प्लेसेस. आपको कोई सिलेक्ट करे ना सिलेक्ट करे. एंड अगर यू नो अगर आपको आ गया कहीं से तो दैट वी हैवन सिलेक्टेड यू. माय सिस्टर टोल्ड मी अ वेरी नाइस थिंग विच आई विल टेल यू गाइस आल्सो. देन थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रपोजल. एक लड़का है, वो शादी के लिए ढूंढ रहा है. अगर उसको आप पसंद नहीं आए तो इसका मतलब ये है क्या कि आप एक बुरी लड़की हो या फिर आप में कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं है? ऐसे नहीं है. जस्ट मीन्स दैट यू आर नॉट फिट फॉर हिम. वैसे आपको याद रखना है कि अगर किसी कंपनी ने या फिर फर्म ने आपको बोल दिया कि यू नो वी हैव गॉट अनदर कैंडिडेट एंड वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट हमें नहीं चाहिए, मतलब आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो आपको सिंपली बस याद रखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी और मेरी रिक्वायरमेंट्स मतलब मेरी जो क्वालिफिकेशंस थी वो और थी और इसीलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है. कहीं पर भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है. यू हैव टू से पेशेंट एंड रिमेंबर द God has better plans for you. So please उसको follow करो. At the same time और एक important चीज, if you are pursuing any other course, कोई भी आप दूसरा course university का या फिर कोई भी course को pursue कर रहे हो, so please make sure that you stay the same in the interview only. Interview जब चल रहा है वहीं पे बता दो कि मैं ऐसे ऐसे course को pursue कर रही हूँ, मुझे अगर leaves चाहिए होंगे तो क्या है scenario, अगर मैं उन exams के दिन में late आऊंगी, तो please make sure कि आप ये interview में ही बता दो. And at the same time बी पेशेंट, प्लीज बी पेशेंट. आई नो टाइम लगता है कभी कभी एंड इट्स एब्सोल्यूटली नॉर्मल. सबको लगता है इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, ये कोई ऐसे नहीं है. एंड यू नो क्या होता है, हमें पता नहीं है कब लगेगी, तो वी टेंड टू गेट डेस्परेट. सो प्लीज स्टे पेशेंट, लगेगी. गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू. सो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू. ट्रस्ट इट, लिव इट, एंजॉय इट. एंड इफ यू हैव एनी अदर यू नो वीडियो रिक्वेस्ट रिगार्डिंग इंटर्नशिप और एनी अदर टॉपिक, यू नो वॉट टू डू. यू हैव टू जस्ट गो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड यू नो स्टेट द टॉपिक इन वीडियो, विल कम ऑन इट, इट्स माई गारंटी. एंड सो डोंट फॉरगेट टू डू द यूजुअल, दैट इज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टा एट cs.prapti.hazare. ऑल द बेस्ट, डू वेल, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, बिकॉज इट इज अ ग्रेट फीलिंग वेन यू एड द प्रीफिक्स ऑफ cs बिफोर योर नेम.